टीवीएस की गाड़ी कभी मत लेना। ये आ गया है टीवीएस का शोरूम। भाई वो बंदा अभी भी ये कह रहा कि मैं शाम को गाड़ी दे दूंगा। भाई इतनी घटिया सर्विस है ना टीवीएस वालों की, ये शोरूम वालों को दिक्कत क्या है भाई गाड़ी ठीक करने में? पेट्रोल भी नहीं इसमें यार। एक्सीडेंट हो गया था इसका। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी अपाची 160 की डिलीवरी लेने। तो गाइस जिसने भी पहले वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि जो हमारी एक अपाची 160 आर थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी जो है 3 महीने हो चुके हैं गाड़ी को दिए हुए और अभी तक जो है गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है। सो आज का उन्होंने टाइम दिया था 27 तारीख को, तो अभी देखते हैं वहीं पे चल के कि गाड़ी जो है ठीक हुई या नहीं या क्या सीन रहने वाला है। बाकी अगर सही होगी होगी तो आज ही हम डिलीवरी ले लेंगे गाड़ी की। बाकी भी मैं आपको दिखा दूंगा जो है गाड़ी की पहले कैसी हालत थी और अब कैसे है। जो भी गाइस ये वीडियो देख रहा है तो भाई टीवीएस की गाड़ी कभी मत लेना क्योंकि इनकी जो है सर्विस बहुत ज़्यादा बेकार है। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि 3 महीने हो गए गाड़ी को दिए हुए और अभी जो है हमारा इंश्योरेंस क्लेम होने में ही 3 महीने लग गए और उसके बाद जो है अप्रूवल आके भी, मतलब जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम हुआ उसको अप्रूव होके भी जो है करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और अब तक जो है शोरूम वालों ने भाई गाड़ी ठीक नहीं की। तो भाई जो भी गाइस मेरी वीडियो देख रहा है भाई कभी भी जो है टीवीएस की बाइक मत लेना वरना भाई बहुत पछताओगे क्योंकि इनकी सर्विस यार बहुत ज़्यादा घटिया है। अब खुद देख लो कि बैंक का 3 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं कितने चक्कर जो है हमने इंश्योरेंस के लिए काट लिए और अब जाके जो है गाड़ी के लिए भी इतना ज़्यादा जो है हमें डेली के ही जाना पड़ रहा है। मतलब हम हर 5 दिन या 1 हफ्ते में जो है गाड़ी देखने जाते हैं और पिछले बार जो है मैं उनको बोल के आया था कि भाई 27 को अगर गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिली तो भाई फिर तुम देख लेना, बोला तो 27 को ही है। और अभी उस बंदे को मैंने फ़ोन भी किया था कि भाई गाड़ी ठीक हुई है नहीं, पर उसने जो है फ़ोन नहीं उठाया। अभी चलते हैं एजेंसी में ही और देखते हैं भाई, अगर गाड़ी प्यार से दे दी तो ठीक है वरना आज उनकी बैंड जो है हम ठीक से ही बजाएंगे। तो फिलहाल अभी हम कैनाल रोड पे हैं और देखते हैं भाई आज क्या सीन रहने वाला है। बाकी यार अब शोरूम पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस मैं बता दूँ ये शोरूम की लोकेशन जो है वो है सिल्वर सिटी के पास, सिल्वर सिटी के जस्ट बगल में ही है, जहाँ पे गोल चक्कर है उसकी बगल में ही है बस। ये आ गया है टीवीएस का शोरूम। तो गाइस देख लो ये लोकेशन है भाई और ये रहा शोरूम। तब चलते हैं भाई अंदर गाड़ी खड़ी करके। तो चलते हैं बस अंदर और देखते हैं गाड़ी ठीक हुई या नहीं। मिल नहीं रही इसकी प्लेट, नहीं मिल रही तो गाइस अभी मेरी उससे बात हुई इंश्योरेंस वाले से और वो जो है बोल रहा है कि शाम तक गाड़ी हम दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो गाड़ी दे पाएगा क्योंकि भाई गाड़ी जो है उसने पूरी खोल के रखी हुई। भाई वो बंदा अभी भी ये कह रहा कि मैं शाम को गाड़ी दे दूंगा और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो झूठ क्यों बोल रहा है इतना यार। देख लो भाई इतनी घटिया सर्विस है ना टीवीएस वालों की क्योंकि हमारी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस भी क्लेम हो गया यार। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि शोरूम वालों को दिक्कत क्या है भाई गाड़ी ठीक करने में। हमने जो है उसको ही ये बोला था कि भाई तू अपनी तरफ से एक बार टाइम दे दे और जितने टाइम में जो है तू ठीक कर सकता है गाड़ी भाई उतना टाइम दे दे। तो उसने अपने मुंह से जो है 27 तारीख बोली थी और भाई आज 27 तारीख ही है, तब भी भयंकर आज ड्रामे कर रहा, पूरी गाड़ी खुली हुई। जिस बंदे से हमने भी ऊपर पूछा भाई वो तो कह रहा था कि आज ये किसी कीमत पे ठीक नहीं होगी और वो क्या बोल रहा कि मैं फ़ोन करके बोल दूंगा आपको, आप गाड़ी लेने आ जाना। The next day. पेट्रोल दी नहीं इसमें यार। आइयो फाइनली गाइस अपनी बाइक जो है मिल चुकी है, बट इसमें क्या है अभी हम पेट्रोल डलाना है और आगे के टायर में हवा बिल्कुल नहीं है। सो अभी इसमें हवा भी डलवानी है तो अभी पेट्रोल पंप पे लेके जा रहा हूँ मैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका थोड़ा बहुत लुक। अबे यार मेरा तो फ़ोन भी उसी के पास है, शिट यार 1 मिनट है देर लगा रहा आगे। सो भाई अभी इसमें हवा भरवा लेते हैं। भैया आगे वाले टायर में डालना यार,
चल बैठ है। अरे बाइक अभी लेके आए शोरूम से, एक्सीडेंट हो गया था इसका। चलिए भाई चलते हैं अब। बाकी यार ये नाम उल्टा लगा दिया उन्होंने, तो ये नाम अभी हमें सही करवाएंगे, शाम को लेके जाएंगे इसको मंदिर पे भी। अभी चलते हैं फिलहाल रूम पे जल्दी से। तो भाई इस गाड़ी के लिए हम जो है काफ़ी दिन से रुके हुए थे, और अभी मेरे भाई को जो है पता नहीं है कि हमने उसकी बाइक जो है ठीक करवा दी है। बाकी इसको अब देंगे उसको सरप्राइज़ बाइक का, सो उसका एक अलग से व्लॉग आएगा, तो आप ज़रूर देखना। सो अभी हम इसके थोड़े बहुत जो है सिनेमैटिक शॉट भी डाल दूंगा इसमें। बाकी यार अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।